नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। मैं मुंबई में रहता हूं, उस मुंबई में जिसके दो चेहरे हैं। एक चेहरा इस शहर की आलीशान तस्वीर पेश करता है और दूसरा चेहरा इस शहर के बाशिंदों का दर्द बयां करता है। इस शहर पर राज करने वाले लोगों से सवाल पूछता है। आज कहानी मुंबई के उसी दर्द भरे चेहरे की। मुंबई महानगर पालिका देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है। बीएमसी का बजट कई छोटे राज्यों के बजट से भी बड़ा होता है, लेकिन इसी बीएमसी के एक अस्पताल में 4 महीने का छोटा सा बच्चा, जो कि आग से झुलस कर वहां पहुंचा होता है, तड़प तड़प कर इसलिए मर जाता है क्योंकि अस्पताल पहुंचने के बाद काफी देर तक वहां कोई उसका इलाज करने वाला नहीं होता। आग में झुलसे उसके माँ बाप भी एक एक करके दम तोड़ देते हैं और इन माँ बाप का दूसरा बच्चा जो कि 5 साल का है, वो भी अनाथ हो जाता है। घटना बीते 30 नवंबर की है। मुंबई के वर्ली इलाके में एक घर के भीतर एलपीजी सिलेंडर का विस्फोट होता है। आसपास के लोग बुरी तरह से झुलसे आनंदपुरी, उनकी पत्नी विद्यापुरी, 4 महीने के बच्चे मंगेशपुरी और 5 साल के बेटे विष्णुपुरी को पास के नायर अस्पताल ले जाते हैं। घायल के अस्पताल पहुंचने के बाद उम्मीद की जाती है कि तुरंत उनका इलाज शुरू होगा, लेकिन करीब घंटे भर तक ये सभी लोग अस्पताल में तड़पते रहते हैं, कराहते रहते हैं, लेकिन कोई उनका इलाज शुरू नहीं करता। स्थानीय लोगों के हंगामे के बाद जब इलाज शुरू होता है, तब तक बड़ी देर हो चुकी होती है। 4 महीने का मंगेश तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। 2 दिन बाद उसके पिता आनंद की मौत हो जाती है। सोमवार को उसकी माँ विद्या ने भी दम तोड़ दिया। वक्त पर इलाज ना मिलने से 3 जिंदगियां खाक हो गई। एक 5 साल के बच्चे के सिर से माँ बाप का साया छिन गया। ये सब कुछ उस मुंबई शहर में हुआ जहां हर पल करोड़ों रुपए का लेन देन होता है, जिसे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है और जिसका शुमार दुनिया के आधुनिक शहरों में होता है। इस साल बीएमसी का बजट करीब 40,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 5,500 करोड़ रुपए हेल्थ केयर के लिए रखे गए हैं। फिर भी बीएमसी के अस्पताल में तड़पते मरीज को देखने के लिए डॉक्टर नहीं रहते। अब से चंद महीने पहले की ही बात है, जिस तरह से बीएमसी ने कोविड की दूसरी लहर से निपटने के लिए तत्परता दिखाई, मौतों को रोका, ऑक्सीजन का इंतजाम किया, उसे मुंबई मॉडल का नाम दिया गया और देश भर में इस मुंबई मॉडल की बड़ी तारीफ हुई। इस मॉडल को समझने के लिए दूसरे राज्यों से लोग भी मुंबई आए, लेकिन इसी मुंबई से ये विरोधाभासी तस्वीर आई है। स्वास्थ्य कर्मियों की हौसला अफजाई के लिए इस शहर ने भी ताली और थाली बजाई थी, लेकिन इसके बावजूद इसी शहर में 3 लोग स्वास्थ्य व्यवस्था की खामियों के चलते मारे जाते हैं। ये वो शहर है जहां के राजनेता कभी से सिंगापुर बनाने की बात करते हैं तो कभी शंघाई, लेकिन इस शहर को बाहरी चमक दमक से ज्यादा जरूरत है मूलभूत सेवाओं को दुरुस्त किए जाने की। शहर की आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी कीड़े मकौड़ों की तरह रहने के लिए मजबूर है। इस घटना के बाद भी वही हुआ जो आमतौर पर भारत में किसी हादसे के बाद होता आया है। विपक्षी पार्टियों ने सत्ताधारी बीएमसी को घेरा, जिसके बाद बीएमसी ने जांच के आदेश दिए और 2 डॉक्टर और 1 नर्स को सस्पेंड कर दिया गया। सवालों के घेरे में शिवसेना है, जिसकी बीएमसी में सत्ता है। जिस मुंबई शहर में यह हादसा हुआ, आदित्य ठाकरे उसके प्रभारी मंत्री हैं और जिस वर्ली इलाके के लोग हादसे में मारे गए, आदित्य वहीं से विधायक भी हैं। मामले की जांच का आदेश देकर बीएमसी ने अपनी खानापूर्ति कर ली है। बीजेपी भी 4 दिनों तक हंगामा करने के बाद शिवसेना को घेरने के लिए कोई नया मुद्दा ढूंढ लेगी, लेकिन उस 5 साल के बच्चे को जिंदगी भर अपने माँ बाप की कमी सताती रहेगी। यही दो चेहरों वाले मुंबई शहर के एक चेहरे की हकीकत है।